हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरआर पोल्ट्री ब्लॉग पे। तो दोस्तों आज हमारे फार्म पे कलई की जाएगी। जैसे आप सामने वीडियो पे देख रहे हैं, मैंने कलई के ऊपर पानी डाल रहा हूँ जिससे ये धुआं निकल रहा है। और मैंने फ़िलहाल अपने सारे पर्दे बंद कर रखे हैं, वो इसलिए ताकि जो कलई का धुआं है ये फार्म के अंदर ही जाकर लगे, जैसे ये टीन में ऊपर जाकर लग रहा है, जिससे जो हमारा ऊपर बैक्टीरिया है, इससे पहले लॉट में हमारे फार्म पे साउंड बन गया था, तो वो जो थोड़ा बहुत ही बैक्टीरिया ऊपर अगर होगा तो वो बचा कुचा वो उससे ख़त्म हो जाएगा। वैसे हमने स्प्रे वगैरह भी करवाई, सब कुछ करवाया है, और ये चीज़ भी हम कर रहे हैं ताकि जो थोड़ा बहुत भी बैक्टीरिया बचा है वो ख़त्म हो जाए, और हमारा जो नया लॉट है जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं उसमें पुराने वाली वायरल की किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना बने, कोई समस्या ना आए। और ये कहीं ना कहीं तो आपके फार्म पे भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा करता है। जो कई लोग हमारे भाई जो हैं वो थोड़ा अपना टाइम बचाने के लिए पिसी हुई कलई का यूज़ करते हैं, वो नहीं करनी चाहिए, उसका कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता, कोई फ़ायदा नहीं होता, जितना अच्छा ही करती है। और इस पे जब हम पानी डालते हैं ये बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाती है, और ये इसलिए धुआं छोड़ती है। ये इधर जैसे ये मोटे मोटे पत्थर दिख रहे हैं कि ऐसे में ही आती है, इस पर पानी डाल डाल के इनको फोड़ा जाता है। जैसे मैंने इस पर पानी डाला था, देखो ये पूरा फूट गया, अभी धुआं बन बन के पूरा फूट जाएगा। ऐसे ही मैंने अपने पूरे फार्म पे ये इस तरह से फैला रखा है, वहाँ के पीछे के मैं ख़त्म करके आया हूँ, और अब यहाँ का ये लास्ट ये कर रहा हूँ। इसके बाद में ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। अगर हम ऐसे गर्म गर्म को अगर हाथ से डालेंगे तो हमारे हाथ भी जलने का डर रहेगा इसमें, इसलिए थोड़ा सा इसका हम वेट करेंगे, थोड़ा ठंडा हो जाएगी तो शाम को हम अपने पूरे फार्म पे इसको फैला देंगे। ये मेरे पूरे फार्म पे ऐसे कम से कम ये 4 बैग लग जाते हैं नीचे के लिए, और 1 बैग हमारा ये इस पट्टी पर लग जाता है, तो टोटल 5 बैग हमें ये लगते हैं। पर काफ़ी अच्छा होता है तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो इस वीडियो को मैंने इसलिए बनाया ताकि आप लोगों को भी पता चले कि जब भी अपने फार्म पे कलई बिछाओ तो ये कलई ही यूज़ करें, ये इससे ही आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, ना कि चूने वाली कलई से।